नानक की दादी का नाम खत। सलाम दादी, उम्मीद है आप ठीक और खुश हो दी। आप बहुत याद आती है। आज का खत मैं सिर्फ उर्दू में लिखू दी। दादी याद है आपने मुझे लफ्ज महूदी के बारे में बताया था। कोविड के बाद ये लफ्ज मेरे जहन में घूमता रहता है, पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ बेहूदा लगता है। भाई तो ही देख ले, स्कूल बंद होने के बाद मेरी तरह हर वक्त घर पे ही होता है। मुझे तन तरते रहते हैं, या सोते हैं या लैपटॉप पर काम के बहाने गेम्स खेलते रहते हैं। टूथब्रश भी नहीं देते, इतनी गंदी बू आती है। दादी का मुँह से बू आना बेहूदी है? अगर नहीं तो भाई था और जिसम तो खुजाना तो ये ईनन बेहूदी है। उनकी जिसम था कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो खुजाते ना हो। बाबा हरत गुस्से में रहते हैं जब से उन्होंने ऑफिस का काम घर करना शुरू किया है। बस अल्लाह बचाए उनसे। अम्मा तो सारे घर में सबसे ज्यादा नहीं फारिक लगती हूँ। मेरी शक्ल देख कर इन्हें किचन से काम याद आ जाते हैं। काम वाली मासी अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आती है। बाबा ने इनकी तनख्वाह जो कम कर दी है। आप तो पता है जब मुझे मटन तालना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा इतने ढेर सारे मटर दे देती है और फिर मजे से टीवी देती रहती है। पुदीना और धनिया तो मटरों से भी ज्यादा मुसीबतें हैं। दादी आपकी जाने के बाद साथ वाले फ्लैट की आंटी सलमा जहर लगने लग दी है। अब तो बस इनके अंदर था बाबाजी जाग गया है। हर दूसरे दिन दादा के लिए कुछ न कुछ बना लाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। आप तो याद है ना हमारे सामने हमारे फ्लैट में डॉक्टर अहमद रहते हैं। वो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने जान खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। आंटी सलमा तो ये थाना उन्हें देना चाहिए। मैं ठीक था ना दादी? बस छोड़े दादी और सुनाए, फरिश्तों का क्या हाल है? गपशप लगी उनसे? मैं भी बेलकली में परिंदों से खूब गपशप लगाती हूँ। कोविड के बाद तो काफी सारे परिंदे आते हैं। क्या फरिश्तों ने आप तो अल्लाह मियां से मिलवाया है। उफ़, अब बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। खुदा हाफिज़ दादी, आपकी मरियम।